अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। चेहरे के लिए तीन कारामत टोटके। तरीका नंबर एक, रंग गोरा करने का फॉर्मूला। दो चम्मच एलोवेरा जेल को आधा चम्मच हल्दी और एक चम्मच शहद के साथ एक प्याले में मिलाएं। फिर इसे अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं। गर्दन पर भी लाजमी अप्लाई करिएगा। इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आपने ठंडे दूध में भीगे हुए कॉटन पैड से साफ़ कर लेना है। और याद रखें, पहले ठंडे पानी से आपने चेहरे को धो लेना है, उसके बाद कॉटन पैड से साफ़ करना है। ये पैक आपकी रंगत को निखारेगा, स्किन को जवान रखेगा और लचक को बढ़ाएगा। यानी जिनका लटकी हुई स्किन और झुर्रियों का मसला है वो भी हल हो जाएगा। फ़ायदे, एलोवेरा स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इसके अलावा ये एक्नी और सूरज से झुलसी हुई स्किन के लिए भी बहुत मुफीद है। यानी जिनकी सूरज से ज़्यादा देर सूरज में रहने की वजह से रंगत काली या ख़राब हो गई है, उनके लिए जो है वो एलोवेरा बहुत मुफीद होता है। हल्दी रंगत को निखारती है और स्किन में कुदरती ग्लो यानी चमक पैदा करती है। शहद स्किन को नरम और मुलायम बनाता है। ये इस रेमेडी में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उनके फ़ायदे मैंने बताए हैं आपको। तरीका नंबर दो, आलू का मास्क फॉर ई ब्राइट स्किन। आलू जिल्द को निखारने के लिए बहुत बेहतरीन है। आधा कच्चा आलू पीस कर चेहरे पर लगाएं, फिर 15 मिनट बाद चेहरा नीम गर्म पानी से धो लें। फिर देखें कि इसके एक मर्तबा इस्तेमाल से ही आपका चेहरा निखर जाएगा। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ चेहरे पर निखार आएगा बल्कि आपकी आंखों के गिर्द मौजूद स्याह हल्के भी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इस नुस्खे का रोज़ाना इस्तेमाल करें और फिर आप फ़ायदे देखें। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि अगर आप आलू का रस निकाल कर इसमें शहद मिक्स करके लगाएं और 15 मिनट के लिए इसको लगा रहने दें, फिर खुश्क होने पर धो लें। ये मास्क भी आपकी स्किन में कुदरती चमक पैदा करेगा, झुर्रियाँ ख़त्म करेगा और जिन लोगों के चेहरे पर सयाह धब्बे पड़ जाते हैं उनको भी साफ करेगा। जिनकी रंगत सूरज की तपिश से ख़राब हो गई है, जैसे अक्सर लोगों के बाजू या हाथ या चेहरा हो जाते हैं, उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत मुफीद है। यानी जो लोग बाइक पर ज़्यादातर सफ़र करते हैं या जिनकी जो शर्ट तक यानी ऊपर तक बाजू जो हैं वो वाइट रहते हैं और नीचे से सारी बाजू काली हो जाती है, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये। तरीका नंबर तीन, दिन में दो बार ठंडे पानी में अपने मुंह को भिगोने से आप फौरी तौर पर चेहरे को चमका सकते हैं। यानी आपके चेहरे पर फौरी ग्लो आएगा इस रेमेडी से। इससे खून की गर्दिश होती है जिससे चेहरा सुर्ख होता है, झुर्रियाँ दूर होती हैं, स्किन टाइट हो जाती है इससे और एक्नी भी कंट्रोल होती है। और आज की रेमेडीज़ में आपको कौन सी रेमेडीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी ट्राई करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मज़ीद टिप्स और रेमेडीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। शुक्रिया।